हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास, रेखा तंवर्स इंग्लिश क्लास। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू रीड 11th चैप्टर ऑफ योर बीहाइव बुक एंड द नेम ऑफ द लेसन इज इफ आई वर यू। ए क्वाइट इंटरेस्टिंग लेसन एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय रीडिंग इट। Before you read gives us some introduction about the chapter. Gerard lives alone in a lonely cottage. Gerard कौन है? Lead character of this story. इस कहानी का जो protagonist है, जो lead character है, उसका नाम Gerard है और वो एक lonely cottage में अकेला रहता है, एक सुनसान सी जगह पर, एक cottage के अंदर, एक घर के अंदर अकेला रहता है। An intruder. Intruder होता है a person who enters by force, जो ज़बरदस्ती घुसाए, इस तरह के इंसान को हम हिंदी में घुसपैठिया भी कह सकते हैं उसे। हु इज़ ए क्रिमिनल, और ये घुसपैठिया एक क्रिमिनल है। एंटर्स हिज कॉटेज, उसकी कॉटेज में वो एंटर करता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर Gerard, इंटेंड मीन्स टू थिंक अबाउट, उसका इरादा ये है कि वो Gerard को मर्डर कर देगा। एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और उसकी पहचान खुद ले लेगा। डज ही सक्सीड, क्या वो सफल होता है इस सोच में? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। सीन, अब ये एक्चुअली एक ड्रामा है इफ आई वर यू, तो ड्रामा में सबसे पहले हमें सीन बताया जाता है, सेटिंग बताई जाती है कि किस जगह पर वो सब कुछ हो रहा है। तो उसमें बताया है अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, जब हम स्टेज पर देखते हैं तो हमें एक छोटे से घर का अंदर का हिस्सा नज़र आता है। स्टेज पर इस तरह की सेटिंग है। देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट, और पीछे की साइड पर राइट डायरेक्शन में एक एंट्रेंस है, विच मे बी कर्टेन, जिस पर कर्टेन लगा हुआ हो सकता है, पर्दा डला हुआ हो सकता है। अनदर डोर टू द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड पर भी एक डोर है, मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर, जो कि एक प्रैक्टिकल डोर है जिससे अंदर आया और जाया जाएगा। द फर्नीचर इज सिंपल, जो फर्नीचर वहाँ पर रूम में दिखाई दे रहा है वो बहुत ही सिंपल सा है। कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल, जिसमें एक छोटी टेबल है, टूवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पर। अ चेयर और टू, एक या दो चेयर रखनी है। एंड ए दीवान, और एक दीवान है, रादर अपस्टेज ऑन द राइट, और ये स्टेज पर राइट डायरेक्शन की तरफ नज़र आ रहा है। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और टेबल पर टेलीफोन रखा हुआ है। अब ये उस समय की स्टोरी है जब टेलीफोन्स एग्जिस्ट करते थे, आजकल की तरह मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. और जब पर्दा उठता है तो हमें क्या नज़र आता है, ऑडियंस को क्या नज़र आता है? Gerard is standing by the table, टेबल के पास खड़ा हुआ है, making a phone call, और वहाँ खड़ा होकर वो फ़ोन कॉल कर रहा है। He is of medium height. अब Gerard का स्ट्रक्चर बताया है, फिजिकली वो कैसा दिखता है। मीडियम हाइट का है, ना बहुत लंबा है ना बहुत ही छोटा है। एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और हॉर्न रिम्ड स्पेक्टिकल्स उसने पहने हुए हैं। अगर आप इमेज चेक करेंगे आपकी बुक में तो आपको नज़र आएगा किस तरह की शेप होती है हॉर्न रिम्ड स्पेक्टिकल्स की। He is dressed in a lounge suit. उसने एक lounge suit पहना हुआ है, एक अच्छा सा suit पहना हुआ है, and a great coat, और एक बड़ा सा coat पहना हुआ है उसके ऊपर। His voice is cultured, और उसकी voice cultured है। Cultured means sophisticated, बहुत ही अच्छे से बोलता है वो, well educated लोगों की तरह है। Gerard, well, tell him to phone up directly. I must know. Yes. I expect I'll still be there, but you mustn't count on that. In about 10 minutes time, write home. Goodbye. अब फ़ोन पर अगर आप किसी को बात सुन करते हुए सुने तो आपको आधी बात समझ आती है, आधी नहीं आती, क्योंकि सामने वाला क्या बोल रहा है वो तो समझ नहीं आता। तो ऐसे ही अभी वो बात कर रहा है किसी से, और क्या कह रहा है? Well, tell him to phone up directly, कि उसे कहो सीधा मुझसे बात करे। I must know, मुझे पता तो होना चाहिए। Yes, I expect I'll be still be there here. हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं फिर भी यहीं पे होऊंगा, but you mustn't count on that. लेकिन आप इस चीज़ पर डिपेंड मत करिएगा कि मैं यहीं पर रहूँगा, हो सकता है मेरे को जाना पड़ जाए। In about 10 minutes time, अच्छा 10 मिनट में, right हो, ठीक है, goodbye. और ये कहकर
ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट. वो फ़ोन को नीचे रख देता है और दीवान की तरफ जाता है लेफ्ट साइड पर. वेयर देयर इज अ whilst he is thus engaged where there is a travelling bag and starts packing. अब वो दीवान की तरफ फ़ोन रख कर जब दीवान की तरफ जाता है जो कि लेफ़्ट साइड पर है तो उसे क्या नज़र आता है, एक ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है और उस बैग में वो पैकिंग शुरू कर देता है. whilst he is thus engaged, जब वो बैग पैक करने में engaged है, बिजी है, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. तो उस समय एक और आदमी, similar in build का मतलब है उसके जैसे ही कदकाठी का एक इंसान, enters from the right silently, right direction से चुपचाप enter करता है, revolver in hand. उसके हाथ में रिवॉल्वर है. ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवर कोट. फ्लैशली मीन्स बहुत ही ज़्यादा चमक दमक वाला, बहुत ही वैसा उसने शाइनी सा ओवर कोट पहना हुआ है. एंड ए सॉफ्ट हैड, और एक सॉफ्ट हैड डाली हुई है. ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड एट द साउंड गेरार्ड टर्न्स क्विकली. ही बम्प्स, बम्प्स मीन्स हिट्स. अब वो किसी दूसरे इंसान के घर में चुपचाप एंटर हुआ है तो क्या होता है, थोड़ी घबराहट भी होगी उसे, तो वो एक्सीडेंटली बाय चांस वो किसी चीज़ से टकरा जाता है, टेबल से टकरा जाता है. एंड एट द साउंड, और जब वो टेबल से टकराता है तो एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ की वजह से गेरार्ड टर्न्स क्विकली. गेरार्ड क्विकली जल्दी से टर्न करता है, मुड़ता है. गेरार्ड प्लेजेंटली, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर. और गेरार्ड उसे देखकर ना तो घबराता है ना गुस्से में आता है, वो कहते हैं प्लीज, और बड़े आराम से, प्लेजेंटली बड़े आराम से वो कहता है, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर, कि मिस्टर बड़े हैरानी की बात है. इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पुट दोज पास अप. और इंट्रूडर को इतना, वो तो आया ही क्राइम करने हैं, तो वो क्या कहते हैं, आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है कि तुम मुझे देख के प्लीज्ड हो, खुश हो. आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा समय तक खुश रहोगे. पुट दोज पॉज अप. पॉज क्या होते हैं, पंजे. अब इंसान के पंजे नहीं होंगे, इंसान के क्या होंगे, हैंड्स. तो वो इंट्रूडर क्या कह रहे हैं, अपने हाथ ऊपर रखो. जैसे मूवीज़ में आप देखते हैं कि वो कहते हैं, पुलिस क्या कहती है, हैंड्स अप. तो ऐसे ही कह रहे, अपने हाथ ऊपर रखो. गेरार्ड, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स. और गेरार्ड क्या कहते हैं, ये तो बड़ा ड्रामा जैसा लग रहा है, कुछ ओरिजिनल नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे रियलिटी में कुछ हो रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ड्रामा का शो हो रहा है, एक्टिंग हो रही है. ट्राइंग टू बी काम, एंड इंट्रूडर कहता है, ट्राइंग टू बी काम, शांत रहने की कोशिश कर रहे हूँ. गेरार्ड, नॉन शैलेंट is your word, I think. मुझे लगता है आप nonchalant कहना चाहते हैं. Nonchalant मतलब होता है stolid, a person who doesn't want to show any extreme emotions, मतलब ज़्यादा भावनाएँ शो नहीं करने वाला. तो वो गेरार्ड कहता है कि आप nonchalant कहना चाहते हो, कि trying to be calm and nonchalant. Intruder, thanks a lot. You'll stop being smart. I'll make you crawl. I want to know a few things. See, अब इंट्रूडर को थोड़ा सा अजीब लगा है इस बात को देखकर कि एक अजनबी इंसान को देखने के बावजूद भी गेरार्ड जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा है. इंट्रूडर बिल्कुल, और वो कहता है कि थैंक्स, लेकिन मैं अभी, तुम ये स्मार्ट होना बंद कर दोगे, आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें क्रॉल करवा दूंगा, और क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें तुमसे पूछनी हैं. एज यू कैन सी इन द इमेज, गेरार्ड इज पैकिंग सम थिंग्स एंड अ मैन एंटर्स फ्रॉम द राइट बिहाइंड.
Gerard says, anything you like. I know all the answers. But before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I'm not. अब गेरार्ड जो है उसे देख के बिल्कुल नहीं घबराया, बड़े बिल एकदम शांत है वो। कहते हैं एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी चाहो, जो जो तुम चाहो, तुम्हें कुछ जवाब चाहिए तो ठीक है, जो तुम चाहो मैं वो करूँगा। बट बिफोर वी बिगिन, लेकिन शुरू करने से पहले, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, मैं चाहूँगा कि मैं मेरी पोजिशन चेंज कर लूँ। यू मे बी कम्फर्टेबल, अब इस तरह से गन पकड़े पकड़े हो सकता है तुम कम्फर्टेबल हो, बट आई एम नॉट, लेकिन ये हाथ ऊपर करे करे मैं तो कम्फर्टेबल नहीं हूँ। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस। और इंट्रूडर को लगता है कैसा बंदा है कि मजाक बनाया जा रहा है हर चीज़ का, तो कहते हैं सिट डाउन देयर, वहाँ पर बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेस, कोई मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। मोशंस टू अ चेयर, चेयर की तरफ वो मूव करता है, एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और खुद बैग के पास दीवान पर बैठ जाता है और उसे चेयर पे बिठा जाता है। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस टॉक अबाउट योरसेल्फ, और कहते हैं कि चलो अब तुम्हारे बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गेरार्ड सेज, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, कि अंत में आखिर मुझे सिंपैथेटिक सहानुभूति से सुनने वाला ऑडियंस कोई मिल ही गया, कोई सुनने वाला मिला मुझे। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी बताऊँगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, कि कैसे जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे जिप्सीज ने चुरा लिया था। जिप्सीज कौन होते हैं? जिप्सीज होते हैं वो जो खाना बदोश लोग होते हैं, जो कब समय समय पर अपने घर को बदलते रहते हैं, कभी कहीं पर बस जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररी हाउसेस बना के कभी कहीं पर बस जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड जिप्सीज। तो कहते हैं कि मैं बताऊंगा कैसे मुझे बचपन में जिप्सीज ने चुरा लिया था, एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और क्यों आज 32 साल की उम्र में आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज, यहाँ एसेक्स में मैं अपनी सुनसान झोपड़ी में अकेले बैठा हूँ, अपने घर में रहता हूँ। हाउ, अब वो अपनी कहानी सुनाने लग गया। इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, यू लिव हेयर अलोन, वेल डू यू? इंट्रूडर कहता है कि ये तुम्हारी सारी कहानी अपने पास रखो। अब इंट्रूडर उसकी कहानी सुनने थोड़ी ना आया है, उसे कुछ काम है, उसे कुछ मतलब है, तब वो यहाँ पर आया है। तो कहते अपनी कहानी अपने पास रखो, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, केवल मेरे प्रश्नों के जवाब दो। यू लिव हेयर अलोन, वेल डू यू? तुम यहाँ अकेले रहते हो, क्या रहते हो? गेरार्ड सेज, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। गेरार्ड कहता है, ओहो सॉरी, मुझे लगा आप मुझे बता रहे हैं कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। ए क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन होता टोन ऑफ स्पीकिंग, बात करने का तरीका, कि तुम्हारे बात करने के तरीके से मुझे ऐसा लगा था तो तुम मुझे बता रहे हो कि तुम यहाँ अकेले रहते हो। योर वॉइस इज अनफेमिलियर, एक्चुअली आपकी वॉइस मैंने कम सुनी हुई है ना, अनफेमिलियर है, फेमिलियर मीन्स जिसमें जान पहचान हो, अनफेमिलियर जिसे अनजानी हो, कि तुम्हारी आवाज़ अनजानी है ना, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया कि तुम क्या कहना चाह रहे थे। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लिव हेयर अलोन? अब की इंट्रूडर जोर दे के अपनी बात को कहता है कि तुम क्या यहाँ अकेले रहते हो? गेरार्ड, एंड इफ आई डोंट आंसर, मैं जवाब नहीं दूं तो? इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट, तुम्हें इतनी तमीज़ तो है, इतनी अकल तो तुम्हें है कि तुम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहोगे, चोट नहीं पहुंचवाना चाहोगे। गेरार्ड सेज, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन दैन इन द मियर डिज़ायर टू डू सो, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर? अब गेरार्ड उसकी बातों से बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं है। वो कहता है, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, कि अच्छी सेंस, अच्छी समझ का मतलब ये है कि आप तकलीफ से बचें, बजाय इसके कि आप ये दिखाएं कि मैं तकलीफ से बचना चाहता हूँ, तो बचने की कोशिश नहीं करनी, बचना है। आपको क्या लगता है मिस्टर? और मिस्टर करके वो उसका नाम जानना चाहता है।
Intruder, never mind my name. I like your better, Mr. Gerard. What are your Christian names? Intruder कहता है, मेरे नाम की चिंता मत करो. Never mind. उसकी परवाह मत करो. मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है, Mr. Gerard. What are your Christian names? तुम्हारे Christian names क्या हैं? अब ये Christian names क्या होते हैं बेटा? कि जैसे हमारे यहाँ नामकरण संस्कार होता है, मंदिर पुजारी वुजारी बुला के घर पे पूजा पाठ कराया जाता है, तो क्रिश्चियंस में चर्च में जाके फादर से बात की जाती है और फादर फिर वहाँ पर कोई नाम बताते हैं कि ये इसका इनिशियल नेम होना चाहिए. वो बैप्टाइज करते हैं, उनको क्रिश्चियन बनाते हैं, तो उसके हिसाब से जो नाम मिलता है दैट नेम इज़ कॉल्ड क्रिश्चियन नेम. तो गेराड बता देता है कि मेरा नाम विंसेंट चार्ल्स है. इंट्रूडर, डू यू रन अ कार? तुम एक कार चलाते हो? गेराड, नो, नहीं चलाता. इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, वो तुम झूठ बोल रहे हो. यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल. आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर. कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ और मैं उतना ही स्मार्ट हूँ जितने कि तुम, और बल्कि तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ. एंड आई नो यू रन अ कार. मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक कार है. बेटर टू बी केयरफुल वाइज गाय. कि चलाक आदमी, ज़रा ध्यान से जवाब दो. गेराड, आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन? इमिटेशन मीन्स होता है कॉपी करना, नकल करना. कि तुम अमेरिकन हो या अमेरिकन स्टाइल की नकल कर रहे हो मेरे सामने, मुझे समझ नहीं आया, ज़रा बताओ. इंट्रूडर, लिसन, दिस गन इज़ नो टॉय. आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स. और इंट्रूडर इस बात से थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, चिढ़ जाता है, और वो कहता है कि सुनो मेरी बात, ये गन जो है ये कोई खिलौना नहीं है और मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ. मारू, बिना मारे भी तुमसे सारे सवालों के जवाब ले सकता हूँ. कि जान से नहीं मारूंगा लेकिन जवाब तो मैं मेरे लेके रहूँगा. ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू. और गेराड कहता है, अगर आप इस तरह से रखेंगे इसको तो मैं आपकी हेल्प करने में खुश होऊंगा. ग्लैड मीन्स टू बी हैप्पी और असिस्ट मीन्स टू हेल्प. कि अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मदद करके भी खुश होऊंगा. आई डू पजेस ए कार. हाँ हाँ, मेरे पास कार है. एंड इट्स द इन द गैराज राउंड द कॉर्नर. और ये गैराज में खड़ी है जो कि कोने पे है हमारे ही. इंट्रूडर, दैट्स बेटर. डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? अब ठीक है, अब तुम ठीक से जवाब दे रहे हो. अच्छा, ये बताओ, क्या यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं? गैराज, वेरी रेयरली, बहुत कम आते हैं. सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी. सरप्राइजिंगली, बड़ी हैरानी की बात है कि ना के बराबर लोग ऐसे होते हैं जो कि मुझे विजिट करते हैं. फ्यू, अगर अकेला लगा हुआ है तो उसका मतलब ना के बराबर, और ए फ्यू लगा हुआ है तो मतलब कुछ लोग. तो वो कह रहे हैं ना के बराबर लोग, बहुत ही कम लोग मुझे मिलने आते हैं. देर इज़ द बेकर एंड द ग्रीन ग्रॉसर. एक तो ब्रेकर आता है जो ब्रेड दे के जाता है, और दूसरा ग्रीन ग्रॉसर, सब्जी वाला आता है. ऑफ कोर्स एंड देन देयर इज़ द मिल्कमैन. और मिल्कमैन भी, हाँ, दूध वाला भी आता है. क्वाइट चार्मिंग, बहुत अच्छे हैं. बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ. लेकिन उनमें से कोई भी उतना इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं है जितने कि आप खुद. इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल. और इंट्रूडर कहता है कि मुझे, मैंने सुना है कि तुम व्यापारियों से नहीं मिलते हो. कोई सामान बेचने वाला आए तो उससे नहीं मिलते हो. गेराड सेज, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल. गेराड कहता है, वाह, ऐसा लगता है आपने बहुत तकलीफ उठाई है मेरे बारे में जानकारी हासिल करने के लिए. सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, मेरे बारे में इतना कुछ पता है आपको, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ? अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे आप? यू हैव बीन सो मॉडस्ट. मेरे बारे में तो आपको इतना पता है, लेकिन आप इतने विनम्र हो कि आपने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं कि आप क्या हैं. इंट्रूडर, आई कुड टेल यू अ प्लेंटी. इंट्रूडर कहता है, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ. यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो. बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर. लेकिन यहाँ पर मैं टॉप क्लास का हूँ, यानी कि तुमसे भी कहीं ज़्यादा स्मार्ट हूँ. आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास दिमाग है. एंड आई यूज़ देम, मैं, और मैं यूज़ भी करता हूँ. दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव. और इसी तरह दिमाग यूज़ करके ही मैं पहुँचा हूँ वहाँ पर जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ. अब जब उसने कहा दैट्स हाउ आई हैव गॉट हियर वेयर आई हैव, कि जहाँ मैं पहुँचा हूँ मैं वैसे पहुँचा हूँ, तो गेराड कहता है, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट? इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज.
अच्छा, प्रिसाइजली मीन्स एक्यूरेटली, एग्जैक्टली। तो ज़रा ये बताइए एग्जैक्टली आप कहाँ पहुँचे? इस घर में ब्रेक इन करने के लिए, चुपके से घुसने के लिए मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़े दिमाग की ज़रूरत है किसी के घर में चुपके से घुस जाने के लिए। इंट्रूडर सेज, वेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इट वोंट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज। और इंट्रूडर बताता है कि जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैंने क्यों तुम्हारे घर में घुसपैठ की है तो तुम हैरान रह जाओगे, और ये हैरानी कोई प्लेजेंट सरप्राइज नहीं होगा, खुशी भरी हैरानी नहीं होगी। गेरार्ड सेज, विथ योर फिगरिंग सो लार्जली इन इट, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। कि आप जिस तरीके से ये बात बता रहे हैं तो उससे समझ में आता है कि कोई प्लेजेंट सरप्राइज नहीं मिलने वाला है मुझे। बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट? अब अभी भी इतना सबूत होने पर भी गेरार्ड कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है। वो कहते हैं आप हाँ इतना बता रहे हो तो ज़रूर समझने वाली बात है, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ये तो बताओ कि आप कौन सी तरह के क्राइम से बिलोंग करते हो। एम्ब्रेस का मतलब यहाँ पे बिलोंग करने से है कि आप कौन सा क्राइम करते हो वैसे, और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, या फिर तुम स्पेशलिस्ट ही नहीं हो, किसी भी तरह का कोई भी क्राइम कर लेते हो। अब एक तरह से वो उसकी इंसल्ट कर रहा है कि क्राइम भी कर रहे हो तो कोई भी कर ले रहे हो। इंट्रूडर, माय स्पेशलिटी इज़ ज्यूल रॉबरी, योर कार विल बी डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस। इंट्रूडर कहता है कि मेरी स्पेशलिटी ज्यूल रॉबरी है, कि जेवर लूटता मैं, और तुम्हारी कार विल डू मी अ ट्रीट, मुझे एक ट्रीट की तरह मिलेगी, मुझे मेरे लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी ये, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, बहुत ही फैशनेबल है ये। डैंडी बस मीन्स बहुत ही फैशनेबल, बहुत ही स्टाइलिश, कि बहुत ही स्टाइलिश है तुम्हारी कार और मेरे लिए ट्रीट का काम करेगी। गेरार्ड, आई एम अफ्रेड ज्यूल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। गेरार्ड कहते हैं अच्छा आप ज्यूल रॉबर हो तो मुझे डर है कि एसेक्स के इन जंगलों में जेवर तो बहुत ना के बराबर हैं। और जब वो कहता है कि जेवर ना के बराबर हैं, मतलब क्या है कि आप किसको लूटेंगे जब जेवर है ही नहीं यहाँ पे। तो इंट्रूडर से, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। इंट्रूडर कहता है कि यहाँ पर अगर जेवर कम है तो पुलिस वाले भी तो कम हैं, और मैं यहाँ पर आराम से कुछ समय शांति से रह सकता हूँ। गेरार्ड, यू मीन टू लिव विद मी, आप मेरे साथ रहना चाहते हैं? अ ट्रिफल सडन इजंट इट, कुछ ज़्यादा ही जल्दी अचानक से नहीं बता रहे हो आप? ट्रिफल मीन्स थोड़ा सा, कि थोड़ा सा जल्दी ही नहीं बता रहे हो। यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, मैंने आपको इन्वाइट नहीं किया है मेरे घर में रहने के लिए। इंट्रूडर, यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, तुम यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहोगे और इसीलिए मैंने पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। गेरार्ड सेज, व्हाट डू यू मीन, क्या कहने का मतलब है आपका? दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। और फिर इंट्रूडर कहता है यही तो हैरानी की बात है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। गेरार्ड सेज, अ लिटिल हार्श इजंट इट, ये तो कुछ ज़्यादा ही कठोर हो गया ना, नहीं हुआ क्या? इंट्रूडर सेज विद हैवी सार्कास्म, सार्कास्म मीन्स व्यंग्य के साथ, कि वो मजाक उड़ाते हुए कहता है या आई विल बी सॉरी टू डू इट, हाँ मुझे दुख होगा तुम्हें मारने में। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, फैंसी का मतलब यहाँ पर है लाइकिंग, कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। गेरार्ड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, कि तुम इतने सारे क्राइम करते हो, उन क्राइम्स में अपने मर्डर को भी क्यों ऐड कर रहे हो साथ में? ये बहुत ही ग्रेव स्टेप है, ग्रेव मीन्स सीरियस, बहुत ही गंभीर कदम है कि तुम किसी को मार रहे हो जान से। बाकी तो क्राइम छोटे मोटे होते हैं, मारना तो बहुत बड़ा क्राइम है, तो इसमें आपको कदम नहीं रखना चाहिए, मुझे मारना नहीं चाहिए। इंट्रूडर सेज, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं भी कोई मजाक करने के लिए नहीं कर रहा हूँ ये। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, बहुत लंबे समय से मुझे ढूंढा जा रहा है। हंटेड लॉन्ग इनफ मतलब बहुत समय से मुझे ढूंढा जा रहा है, और कौन ढूंढ रहा है? पुलिस ढूंढ रही है, ऑब्वियसली क्राइम क्रिमिनल को पुलिस ढूंढेगी। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मर्डर के लिए मुझे पहले ही ढूंढा जा रहा है, एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस,
और तुम ये जो कह रहे हो कि वाई ऐड मर्डर टू योर लिस्ट, तो मैं पहले भी मर्डर कर चुका हूँ और मर्डर के लिए मुझे फांसी मिलेगी, और दो मर्डर के लिए भी मुझे फांसी ही मिलेगी, दो फांसी नहीं मिल सकती, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मर्डर कर दूँ तुम्हारा। तो गेरार्ड सेज यू आर प्लानिंग अ ग्रेचुशियस डबल, कि आप तो बहुत ही गंभीर समस्या प्लान कर रहे हो। ग्रेट्यूटियस मतलब होता है नॉट नेसेसरी स्टेप, कि आप जो सोच रहे हैं मेरा मर्डर करने के बारे में, इसकी ज़रूरत नहीं है, सो टू स्पीक, ऐसा कह सकते हैं। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, आपने खुद ने एडमिट किया है कि तुम्हें आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बट वट यू हैव बट हैव यू टू गेन, लेकिन हासिल करने को क्या है? अब मुझे मार के भी आपको क्या हासिल होगा? अगर आप में मुझे मारने से कुछ नुकसान नहीं हो सकता, तो आपको फ़ायदा भी क्या होने वाला है? इंट्रूडर सेज आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, कि मुझे क्या हासिल होने वाला है? मुझे आज़ादी मिलेगी। एज़ फॉर माई सेल्फ, जहाँ तक मेरा सवाल है, आई एम अ पुअर हंटेड रैट, मैं तो एक बेचारा ढूंढा जाता हुआ चूहे जैसा क्रिमिनल हूँ। एज़ विंसेंट, कि क्योंकि लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मुझे छुप छुप कर रहना पड़ रहा है, जैसे कोई चूहा रहता है। As Vincent Charles Girard, I'm free to go places and do nothing. और जब मैं Vincent Charles Girard की आइडेंटिटी ले लूँगा, मैं Vincent Charles Girard बन जाऊँगा, तो मैं जगह जगह पर घूम सकता हूँ बड़े आराम से, और कुछ भी मेरा नहीं बिगड़ेगा। I can eat well and sleep, मैं अच्छे से खा पाऊँगा और सो पाऊँगा, and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. और वो खाते समय और सोते समय मेरे को ये हमेशा दिमाग में ये नहीं रहेगा कि जैसे ही पुलिस वाला नज़र आए तुरंत वहाँ से भाग लो। अभी क्या करना पड़ता है उसको, कि पुलिस वाला दिख रहा है तो उसे भागना पड़ता है, छुपना पड़ता है, लेकिन अब वो जब विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड बन जाएगा तो उसे छुपना नहीं पड़ेगा। गेरार्ड सेज इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकियर। कहते हैं इन मोस्ट मेलोड्रामास, मेलोड्रामास मतलब ड्रामास में, सीरियल नाटक में, कि जो नाटक होते हैं, जो ड्रामा होते हैं, उनमें अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि विलेन इतना मूर्ख होता है कि वो हीरो को बहुत लंबे समय तक नहीं मारता है, देर करता रहेगा, बातें बात करता रहेगा, बोलता रहेगा, और अंत में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसके साथ कुछ बुरा होता है। यू आर मच लकियर, लेकिन आप काफ़ी अच्छी किस्मत वाले हैं। इंट्रूडर आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज़ के लिए एक कारण है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड, मैं विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड बनने वाला हूँ। सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, मुझे सिर्फ ये देखना था कि वो कैसे बात करता है। नाउ आई नो, अब मुझे पता है। दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी, जिस तरह तुम बात कर रहे हो, पॉश स्टफ मीन्स पॉश, अच्छा, वेल मैनर्ड तरीका, कम्स ईजी, बड़े आसानी से सीखा जा सकता है। दिस इज मिस्टर विसी गेरार्ड स्पीकिंग, पैंटोमाइम्स ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, और इमिटेशन पैंटोमाइम होता है नकल करना, कॉपी करना, तो वो कॉपी करता है, नकल उतार रहा है किसकी, फ़ोन करते हुए जैसे अभी विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड बोल रहा था उसी तरह से वो नकल उतार कर बोलता है कि देखो मैं ऐसे बोलता हूँ तो मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। एंड दैट्स नॉट ऑल, इतना ही नहीं, ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा हो जाता है। गेट अप अ मिनट, एक मिनट खड़े हो। गेरार्ड स्टैंड्स, गेरार्ड खड़ा हो जाता है। नाउ टेक अ लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखो। गेरार्ड यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, गेरार्ड कहता क्या देखूँ तुम्हें, पर्टिकुलरली मीन स्पेशली, खास तौर से डेकोरेटिव, सजावटी, कि ऐसे कुछ खास सुंदर तो हो नहीं, देखूं क्या तुम्हारा। इंट्रूडर सेज नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू, अगर मैं डेकोरेटिव नहीं हूँ तो तुम भी नहीं हो। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स, मुझे केवल चश्मा पहनना पड़ेगा, एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट, और मैं बहुत हद तक तुम्हारे जैसा ही दिखने लग जाऊँगा, और उसके साथ मैं कहीं पर भी कुछ भी कर सकता हूँ। गेरार्ड What about your clothes? तुम्हारे कपड़ों के बारे में कहा? They'll let you down if you are not careful. कि अगर तुम अपने जैसे तुमने कपड़े पहने हुए हैं ऐसे पहन के घूमोगे तो वो तुम्हें let down कर देंगे और तुम्हारे सच को खोल देंगे। To let down means तुम्हारी सच्चाई को खोल देना, पोल खोल देंगे तुम। That will be
ऑल राइट योर्स विल फिट मी फाइन, और इंट्रूडर कहता है वो सब ठीक रहेगा, तुम्हारे कपड़े मुझे फिट आ जाएंगे, कि अगर कपड़े ही मुझे शो ऑफ करने वाले हैं, रिवील करने वाले हैं मेरी आइडेंटिटी को, तो मैं तुम्हारे कपड़े पहन लूँगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा। देयर आर दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गया। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, आपने मेरा रिमार्क मिस कर दिया। आई सेड यू आर लकियर दैन मोस्ट मेलो ड्रामेटिक विलन्स, कि आप ज़्यादातर ड्रामास के विलन्स से ज़्यादा लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं। क्यों सौभाग्यशाली हैं? इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, मैं ये नहीं कह रहा था तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, आप मुझे नहीं मारोगे क्योंकि एक खास कारण है, इंट्रूडर। सो दैट्स वॉट यू थिंक, तो ऐसा तुम सोचते हो। गेराल्ट यू लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, तुम मुझे जाने भी दोगे और भगवान का धन्यवाद भी करोगे कि तुमने मुझे गोली नहीं मारी। इंट्रूडर कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, कि जल्दी बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, ये जो तुम बात कर रहे हो ना ये सब मुझे बोर कर रही है। गेराल्ट सेज योर आइडिया इज़ टू इल्यूड द पुलिस बाई किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। योर आइडिया, तुम्हारा विचार ये है कि तुम एल्यूड करोगे, एल्यूड मीन्स धोखा देना, कि तुम पुलिस को धोखा दोगे मुझे मारकर और मेरी आइडेंटिटी लेकर, मेरी जगह तुम विंसेंट चार्ल्स गेराल्ट बन जाओगे, ऐसा तुम्हारा विचार है। गेराल्ट योर यस, इंट्रूडर सेज यस आई लाइक द आइडिया, मुझे ये आइडिया पसंद है। गेराल्ट बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, क्या आपको यकीन है कि तुम्हें मदद मिलेगी। इंट्रूडर सेज नाउ लिसन हियर, अब ज़रा मेरी बात सुनो, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं शहर में काम करता था, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, कुछ मेरे साथ गलत हुआ और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, और तब से लेकर अब तक मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैं पुलिस को चकमा दे रहा हूँ। डॉज मीन्स होते चकमा देना। एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और इस तरह चकमा देकर, इस तरह से बचाव करके, बच बच के तुम यहाँ पहुँचे हो। इंट्रूडर सेज इट ब्रॉट मी टू एलिसबरी, कि मैं चकमा देते देते एलिसबरी पहुँचा था। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, वहाँ पर मैंने तुम्हें कार में देखा। टू अदर पीपल सॉ यू, दो और लोग तुम्हें देख रहे थे। एंड स्टार्टेड टू टॉक, और उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। आई लिसन, मैं उन्हें सुनने लगा। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वियर, ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ अजीब हो, काइंड ऑफ ए मिस्ट्री मैन, एक रहस्यमय आदमी जैसे हो, मतलब तुम्हारे बारे में बहुत कुछ लोगों को नहीं पता है, बहुत सीक्रेट से तरीके से रहते हो। गेराल्ट सेज अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, हाँ एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है जो मैं प्रपोज करता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँ। इंट्रूडर से डिसरिगार्डिंग हिम, उसकी बात को ध्यान नहीं देता। योर फोन योर ऑर्डर्स, तुम क्या करते हो, कुछ फोन ऑर्डर्स करते हो फ़ोन पे। एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली, और कई बार अचानक से गायब हो जाते हो। एंड कम बैक जस्ट द सेम, और वैसे ही अचानक से आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, मैं भी तो यही सब करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, और तुम्हारे बारे में सुनना मेरे लिए एक लकी ब्रेक था, बहुत ही बढ़िया ब्रेक रहा। Geralt says, apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in the cloak of mystery. Geralt कहता है apparently, apparently means it seems, ऐसा लगता है, you haven't the intelligence, कि तुम्हें इतनी बुद्धि ही नहीं है, to ask, कि तुम पूछो, why I am invested in the cloak of mystery, कि मैं इस तरह से mystery के, रहस्य के cloak में क्यों से छपा, क्यों छुपा हुआ, क्यों लोग मुझे secret मानते हैं मेरी बातों को, क्यों मैं ऐसे रहस्यमय तरीके से रहता हूँ। इंट्रूडर सेज प्रपेयरिंग टू शूट, अब इंट्रूडर को तो गोली मारने के लिए तैयार है वो इंट्रूडर, और शूट करने के लिए तैयार होते हुए कहते हैं, एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, जैसा कि मैंने कहा ये कन्वर्सेशन मुझे बोर कर रहा है। गेराल्ट सेज डोंट बी अ फूल, बेवकूफ मत बनो, इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, अगर तुमने मुझे गोली मारी तो तुम ज़रूर फांसी पर चढ़ोगे।
इफ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड, अगर अपने नाम से नहीं तो विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड के नाम से फांसी पर चढ़ोगे, लेकिन चढ़ोगे जरूर। व्हाट इज दिस? अब इंट्रूडर हैरान रह जाता है कि विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड के नाम से फांसी पर चढ़ूंगा, ये क्या हुआ? गेरार्ड सेज दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट। कहता है ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है, और ये सरप्राइज ये है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही था। Why do you think I'm here today and gone tomorrow and never see trades people? तुम्हें क्या लगता है मैं कभी यहाँ पर होता हूँ और कभी सुबह अगले आज यहाँ होता हूँ और सुबह सुबह मैं कहीं निकल जाता हूँ, कल never see trades people, कभी भी लोगों से नहीं मिलता, व्यापारियों से नहीं मिलता। You say my habits would suit you, तुम्हें लगता है कि मेरी आदतें तुम्हें सूट करेंगी, तुम्हें मज़ा आ रहा है ये सब सोच के। यू आर ए क्रुक, और तुम क्या हो? एक क्रुक हो, एक डिसऑनेस्ट पर्सन हो। क्रुक मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन, कि एक डिसऑनेस्ट बेईमान आदमी हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई संडे स्कूल टीचर हूँ, किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं बहुत ही अच्छे शरीफ, बहुत ही शरीफ आदमी हूँ, ऐसा लगता है तुम्हें? संडे स्कूल टीचर का मतलब बहुत ही शरीफ आदमी हूँ तुम्हें लग रहा है ऐसा? द गेम इज अप एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा सवाल है गेम अब ख़त्म हो गया है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे साथ भी कुछ गलत हुआ। आई सेड इट विद बुलेट्स, और उसके जवाब में मैंने गोलियाँ चलाई, एंड गॉट अवे, और भाग गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, और दुर्भाग्य ये रहा, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य ये रहा कि उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्नड, और उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जो उस बेवकूफ़ को जला देनी चाहिए थी, ख़त्म कर देनी चाहिए थी। Tonight, I am expecting trouble. आज रात को मेरे साथ कुछ परेशानी होने वाली है। My bag is packed ready to clear off. और इसीलिए मैंने अपना बैग पैक कर रखा है यहाँ से भागने के लिए। There it is. ये रहा मेरा बैग। अब वो बैग उसे दिखा रहा है। Intruder, it's a bag, all right. And this is a gun, all right. What is all that? This. कहते हैं ये बैग है और ये गन है। ये तो मेरा बैग है, ये मेरी गन है, और ये सब क्या है? वो बैग में देख रहा है कि इसमें क्या है। गेरार्ड से दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टैशेस एंड व्हाट नॉट, कि ये डिस्गाइज आउटफिट है। डिस्गाइज मतलब होता है भेस बदलना, कि ये भेस बदलने के लिए कपड़े हैं मेरे, नकली मूछें हैं और पता नहीं क्या क्या, और सारी चीज़ें जो नकली वेश बनाने के लिए चाहिए वो सब हैं। नाउ डू यू बिलीव मी, क्या अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो रहा है? इंट्रूडर म्यूजिंगली, सोचते हुए, कुछ सोच रहा है वो, सोच में पड़ गया है ये सारी चीज़ें देख के कि ये मूछ वूछ की ये सब चीज़ें किस लिए रख रखी हैं इसने, नकली मूछ, और सोचते हुए आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गेरार्ड सेज फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हैट ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। गेरार्ड कहता है भगवान के लिए ये अपना कन्फ्यूज हैट जो है ना, इसको दूर रखो, एंड लेट्स गो, चलो भागते हैं। कम विद मी इन द कार, मेरे साथ कार में चलो। आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी जाल में फंसाया गया है, यू हैव गॉट मी इन द कार, मैं भी तो कार में हूँ तुम्हारे साथ, एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी गन है, कि भैया अगर मैं तुम्हें चीटिंग कर भी रहा हूँ तो कार में तुम्हें मैं मिलूँगा, और वहाँ पर तुम्हारे पास कार गन तुम्हारे पास वहाँ पर भी है, तो वहाँ पर मार लेना, मारना ही तो है। इंट्रूडर सेज मे बी यू आर राइट, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब इंट्रूडर बेचारा कन्फ्यूज हो गया उसकी सारी कहानी को सुन के, और वो परेशान हो गया। गेरार्ड देन डेट डोंट वेस्ट टाइम गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, जाता है और अपना हैट और अपना बैग उठाता है। इंट्रूडर केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। अब इंट्रूडर फिर भी बनने की कोशिश कर रहा है, स्मार्टर बनने की कोशिश कर रहा है, कहता है केयरफुल, ध्यान से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। गेरार्ड सेज आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मैंने एक आदमी को मेन रोड पर पोस्ट कर रखा है, उसको ड्यूटी दे रखी है। क्या ड्यूटी दे रखी है? ही रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, वो फ़ोन करेगा अगर उसने वहाँ पर पुलिस को देखा। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता इस जगह को। टेलीफोन बेल रिंग्स, और तभी घंटी बज जाती है, फ़ोन की घंटी बज जाती है, और उसने अभी अभी क्या बताया है कि जैसे ही पुलिस यहाँ पर आएगी तो मेरा आदमी रोड पर से मुझे फ़ोन कर देगा कि पुलिस आ गई है। कम ऑन,
दे आर आफ्टर अस, जल्दी करो, वो हमारे पीछे हैं, कि पुलिस मेरे पीछे भी है और तुम्हारे भी है, तो भागो यहाँ से. थ्रू द हेयर स्ट्रेट टू द गैराज, यहाँ से सीधा गैराज की तरफ. वो उसे रास्ता दिखा रहा है कि यहाँ से हमें गैराज की तरफ जाना है. इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मुझे क्या पता तुम सच बोल रहे हो. अब इंट्रूडर उसकी बातों में फंस गया है, जो मारने आया था इसको, और वो क्या कह रहा है कि मुझे क्या पता कि तुम सच बोल रहे हो. गैराज, ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योर सेल्फ, बेवकूफ़ मत बनो और खुद ही देख लो. गैराज ओपन्स डोर, गैराज उस दरवाजे को खोलता है जहाँ से वो गैराज बता रहा था, एंड स्टेप्स अवे, और थोड़ा सा दूर हटता है. इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड, अब गैराज ने दरवाज़ा खोला है और एक कदम पीछे उठ गया. एक कदम पीछे क्यों हट गया, कि इंट्रूडर आके उसमें से देख ले. इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ झांकता है, टू इंस्पेक्ट इट, ये देखने के लिए कि क्या है वहाँ पर. विद हिज साइड टुवर्ड्स गैराज, और उसका अभी साइड जो है वो गैराज की तरफ है, वो उसी की तरफ देख रहा है. बट विद द रिवॉल्वर रेडी, और उसकी रिवॉल्वर तैयार है कि जैसे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं इसको गोली मार दूंगा. एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे ही वो अपना सिर घुमाता है देखने के लिए कि बाहर क्या है, गैराज गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, गैराज उसे में जोर से धक्का देता है और वो कबर्ड में पहुंच जाता है. सो इट्स वॉज अ कबर्ड, नॉट अ डोर. नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और गैराज तुरंत उसके हाथ पर अटैक करता है और उसका रिवॉल्वर नॉक हो जाता है, हाथ से गिर जाता है. ही स्लैम्स द डोर, डोर को एंड लॉक्स इट, धम से उसको डोर को बंद करता है और ताला लगा देता है. पिक्स अप द रिवॉल्वर, रिवॉल्वर उठाता है, एंड गोज टू द फोन, और फ़ोन की तरफ जाता है. वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, और वहाँ पर फ़ोन के पास भी वो अपनी गन को पॉइंट किए हुए है कबर्ड के दरवाजे की तरफ, कि अगर बाई चांस ये खुल भी जाए, अगर ये ताला खुल भी जाए, तो वो अगर यहाँ से इंट्रूडर बाहर निकलता है तो वो उसे शूट कर देगा. लुक हियर, गैराज गिव्स हिम ए पुश इनटू द कबर्ड, कबर्ड में पुश कर दिया, गन बाहर आ गई है और गैराज ने उसे बंद कर दिया है. इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट्स, लेट मी आउट ऑफ हियर, और इंट्रूडर बड़ी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखट करके खटखटाता है, ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है और शाउट, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो. गैराज, हेलो, यस स्पीकिंग, और गैराज अपना फ़ोन करने में बिजी हो जाता है. क्या कर रहा है, हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, सॉरी आई कॉन्ट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, माफ़ करना, मैं वो प्रॉप्स, वो जो सामान आपको चाहिए था उस समय पर रिहर्सल के लिए नहीं पहुँचा पाया. आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, स्पॉट ऑफ बॉदर मीन्स वरी, कि मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम ट्रबल हुई थी अभी अभी. क्वाइट अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मीन्स एंटरटेनिंग, कि बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही मज़ेदार है. आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, मुझे लगता है मैं अपने अगले प्ले की कहानी में ये सारी बात बताऊँगा. लिसन, हाँ सुनिए, कैन यू टेल आर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, हाँ क्या आप हमारा जो फ्रेंड है सार्जेंट, उसको आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पर आ जाए अभी. यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, आपको वो शायद पब्लिक बार में मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे फोन, उसे कह दीजिएगा कि वो सीधा हमारे घर पर आ जाए. अब इन द लास्ट स्टेंजा वी कम टू नो, इस लास्ट पैरा में हमें पता चलता है कि एक्चुअली गैराज इज़ ए प्ले राइट, एक प्ले राइट है जो कि कहानियाँ लिखता है नाटक के लिए, नाटक से एसोसिएटेड है, ड्रामा कंपनी से किसी से एसोसिएटेड है, और रिहर्सल के लिए मटेरियल्स सप्लाई करता है. और ये जो फॉल्स मुस्टैश और डिसगाइज में ड्रेसेस थी, वो सब किस लिए थी, क्योंकि उसे रिहर्सल के लिए किसी को प्रोवाइड करानी थी, समय पर दे कर आनी थी, और वो उन्हें नहीं दे पाया, इसलिए उसने फ़ोन पर बताया है. और थोड़ी देर में उसका दोस्त सार्जेंट आ जाएगा और इंट्रूडर विल बी कॉट रेड हैंडेड, और इंट्रूडर रंगे हाथों पकड़ा जाएगा. तो द होल स्टोरी गिव्स अस अ मैसेज कि वेन एवर देयर इज एनी ट्रबल, जब भी कोई परेशानी हमारे सामने आए, वी शुड रिमेन काम एंड थिंक, और सोचना चाहिए
शांत रहते हुए कि इस परेशानी का सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। जैसा कि उसने कहा भी था बीच में, कहता है गेराल्ट कि द मेन थिंग इज टू बी टू अवॉइड पेन, इट्स डिफरेंट फ्रॉम विशिंग टू बी अवॉइड पेन। तो आपको पेन अवॉइड नहीं अवॉइड करनी है, रादर देन ये विश करना कि पेन कैसे अवॉइड की जाए। तो ऑन द होल इट्स क्लियर मैसेज इज दैट वी शुड रिमेन काम एंड इन मेंटली एक्टिव व्हेन वी आर इन ए टाइट स्पॉट, व्हेन एवर वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। आई होप दिस लेसन विल बी क्लियर टू यू, एंड विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।